नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं, वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ हैं विद्या। ये दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। रोड शो के बाद पीएम मोदी ने काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना। सुबह हेलीकॉप्टर से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का काफिला पहले बीएचयू गेट पहुंचा, जहां पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद रोड शो शुरू हुआ। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहे। रोड शो के दौरान हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे गूंजते रहे। रोड शो में भारी भीड़ की वजह से पुलिस और एसपीजी को भीड़ संभालने में मुश्किल हुई। खुद प्रधानमंत्री मोदी कई बार एसपीजी सुरक्षा कर्मियों से भीड़ को मैनेज करने को लेकर कुछ कहते दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी जब मुस्लिम बहुल इलाके मदनपुरा से गुजरे तो बड़ी संख्या में मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में खड़े थे। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। पीएम मोदी काल भैरव मंदिर भी गए और वहां पर पूजा की। देखिए, इसका असर नहीं है बल्कि ये रोड शो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। काशी की जनता जिस तरीके से यहां पर उमड़ी हुई है, आपको संकेत मिल गया होगा कि 11 मार्च को राहुल जी जिस भूकंप को बुला रहे थे वो आने वाला है और उस भूकंप के झटके भी राहुल जी को, सैफई के राजकुमार को और बुआ जी को लगने जा रहे हैं। 1952 के चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश में एक भी मीटिंग नहीं की। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक दिन के लिए लखनऊ जाते थे। अकेले प्रधानमंत्री हैं जो भय से आशंकित हैं और संभावित हार को देख करके येन केन प्राकेन विजय चाहते। पीएम मोदी आज शाम टाउन हॉल में समर्थकों से मुलाकात करेंगे। 5 मार्च को पीएम काशी विद्यापीठ खेल मैदान में रैली करेंगे। डीएलडब्ल्यू ग्राउंड में लोगों से मिलेंगे। 6 मार्च को वाराणसी के रोहनिया में पीएम मोदी की रैली होगी। वाराणसी में 8 मार्च को वोटिंग होनी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के लिए प्रशासन से जरूरी इजाजत नहीं ली गई थी। वाराणसी में आज राहुल और अखिलेश ने भी रोड शो निकाला। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी 7वें चरण के लिए वोट मांगे। वाराणसी में आज सभी पार्टियों के नेताओं का मजमा लग गया। पीएम मोदी के रोड शो के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी रोड शो के जरिए ताकत दिखाने की कोशिश की। वाराणसी की कचहरी से गिरजाघर चौराहे तक 9 किलोमीटर लंबे रोड शो में दोनों नेताओं ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया और वोट मांगे। रोड शो के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थक जगह जगह छतों पर चढ़कर पार्टी के झंडे लहराते नजर आए। इस दौरान समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी वाराणसी में रैली की। मायावती ने पीएम मोदी और राहुल अखिलेश के रोड शो पर निशाना साधा। मायावती ने यह भी कहा कि बीजेपी के लोग कितनी भी पूजा अर्चना कर लें, फायदा नहीं होने वाला। इन दोनों पार्टियों के रोड शो में जितनी भीड़ थी उसमें से तमाशगीर लोगों की ज़्यादा भीड़ थी। सभी सीटों को आप लोग जीतने वाले हैं, चाहे अब आपके इस वाराणसी सीट के सांसद व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी आज फिर से यहाँ मंदिरों में जाकर कितनी भी आराधना आदि क्यों ना कर लें। यूपी चुनाव के 7वें चरण में 8 मार्च को 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान होना है। 7वें चरण में गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र में वोटिंग होनी है। 7वें चरण में 535 उम्मीदवार मैदान में, जिनकी किस्मत का फैसला 1,41,39,697 वोटर्स को करना है। 2012 के चुनाव में 40 सीटों में से 23 समाजवादी पार्टी ने जीती थी। बीएसपी को 5, बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 3 सीटें मिली। और रोड शो के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव काशी विश्वनाथ के दर्शन करने भी जाएंगे। यूपी के छठे दौर में 49 सीटों पर मतदान जारी है और आपको बता दें कि 1 बजे तक 35% से ज्यादा मतदान हो चुका था। यूपी में छठे दौर के वोटिंग को लेकर वोटरों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। महाराजगंज में सुबह से ही बूथों पर लंबी कतारें लग गई, लोग पूरे परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। देवरिया में भी वोटर्स में मतदान को लेकर उत्साह दिखा। बलिया में भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा लिया। मऊ में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए पोलिंग बूथ पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई थी। गोरखपुर सदर के मानसरोवर इलाके में कई वोटर मतदाता सूची में नाम नहीं होने से वोट नहीं कर पाए। वो नाम नहीं है लिस्ट में हम लोग का,
जहाँ पे इसमें लिखा है वो नहीं है। देश में क्राइम ही बढ़ता जा रहा, भ्रष्टाचार ही बढ़ता जा रहा, इसलिए सबसे पहले जरूरी है ये चीज रोका जाए। देवरिया में यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने वोट डाला। बलिया में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे नारद राय ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। गोरखपुर में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने वोट डालने के बाद जीत का दावा किया। अब तक के रुझान ये बताते हैं छठे और सातवें चरण में भी भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलने वाला है। मऊ के मतदान केंद्र पर हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कुछ लोग फर्जी वोट डलवाने की कोशिश कर रहे थे। यूपी में छठे दौर के चुनाव में 653 उम्मीदवार हैं। छठे दौर में 109 उम्मीदवारों पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। छठे चरण में 160 उम्मीदवार करोड़पति हैं। छठे चरण में महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और बलिया में मतदान हो रहा है। अगर आप भी वोटिंग वाले इलाके में रहते हैं और आपने अभी तक वोट नहीं डाला है अपना, तो जरूर घर से बाहर निकलिए, वोट डालिए। और आप ये टू स्टेट्स पर #2states पर हमें ट्वीट कर सकते हैं, जिसे हम आपको लगातार जी न्यूज पर दिखाएंगे। और मणिपुर विधानसभा में भी पहले दौर के लिए आज मतदान जारी है। 38 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं और 1 बजे तक 69% मतदान हुआ है। मणिपुर में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा। लोग सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंचे और लाइनों में लगकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पहली बार वोट करने वाले नौजवान भी उत्साह से भरे हुए नजर आए। भारी संख्या में नौजवानों ने अपना वोट डाला। मणिपुर इम्फाल की ये पोलिंग स्टेशन है, जहां पर बड़ी संख्या में यहां पर लोग आए हुए हैं, काफी महिलाएं भी हैं। और मणिपुर के बारे में कहा जाता है कि लोग अपने वोटों को लेकर के खासा जागरूक हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर आते हैं और यहां पे जो वोटिंग परसेंटेज है, कई बार 90% से भी ज्यादा वोटिंग होती है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में वरिष्ठ नागरिकों ने अपना वोट डाला। लोकतंत्र के इस पर्व में दिव्यांग भी पीछे नहीं रहे। रिश्तेदार वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को गोद में लेकर मतदान केंद्र पहुंचे। पीपल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस के बैनर तले पहली बार चुनाव लड़ रही इरोम शर्मिला ने भी इम्फाल ईस्ट सीट पर वोट डाला। मणिपुर के मुख्यमंत्री बोबी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रही इरोम ने जीत का दावा किया। Do you think it's a symbolic fight? There are only 3 candidates, or do you think that it's for a longer cause? It is not just symbolic. I hope in this election, at least 35 to 40 will win. मणिपुर में पहले दौर में 38 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मणिपुर में कांग्रेस बीजेपी के अलावा इरोम शर्मिला की पार्टी PRJ भी पहली बार चुनाव लड़ रही है। मणिपुर चुनाव में बीजेपी पहली बार अकेले 40 सीटों पर लड़ रही है। मणिपुर में बाकी 22 सीटों पर 8 मार्च को वोटिंग होगी और 11 मार्च को नतीजे आएंगे। उग्रवादियों के हमले की आशंका को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा बलों के 28,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए। जम्मू कश्मीर के शोपिया में बीती रात से चल रहा एनकाउंटर खत्म हो गया। शोपियां के चिल्लीपुरा गांव में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया था। रात भर ऑपरेशन चलता रहा। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। सुरक्षा बलों ने ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी भी की, लेकिन रात होने के कारण ऑपरेशन में काफी मुश्किलें आई। दिन निकलते ही सुरक्षा बलों ने एक बार फिर मोर्चा संभाला और गाँव में एक एक घर जाकर आतंकियों की तलाश की, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। सूत्रों के मुताबिक आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। सुरक्षा एजेंसियों ने शोपियां और आसपास के इलाके में चौकसी बढ़ा दी है। कश्मीर में पिछले 50 दिनों में सेना और BSF ने 24 आतंकी मार गिराए हैं। 2016 में घुसपैठ की 364 कोशिशें हुई थी, जबकि 2015 में आतंकियों ने 121 बार घुसपैठ की कोशिश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक घाटी में करीब 200 पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय है, जो हिजबुल और लश्कर के हैं। 2016 में सेना ने 146 आतंकी मार गिराए थे, 76 को गिरफ्तार किया था। भीड़ खत्म होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने शोपिया और आसपास के इलाके में चौकसी बढ़ा दी। हरियाणा रोडवेज की चलती बस में 2 बहनों से कथित छेड़छाड़ के मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। हरियाणा रोडवेज की बस में मारपीट का ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। आरोप था कि जिन लड़कों को ये दोनों बहनें बेल्ट से पीट रही हैं, उन्होंने इनके साथ छेड़छाड़ की थी, लेकिन हरियाणा की रोहतक जिला अदालत ने तीनों आरोपी लड़कों को बरी कर दिया है।
28 नवंबर 2014 को हुई इस घटना में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए लड़कों को बेकसूर करार दिया। सोनीपत के थाना खुर्द गांव की रहने वाली आरती और पूजा ने रोहतक के आसन गांव के रहने वाले कुलदीप, मोहित और दीपक पर चलती बस में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें बाद में जमानत मिल गई थी। फैसले के खिलाफ शिकायत करने वाली लड़कियों ने हाईकोर्ट में अपील की बात कही है। 40 के 40 गवाह जो है वो लड़कों को बेकसूर बता रहे हैं और सारा कसूर लड़कियों का बता रहे हैं, और लाई डिटेक्टर टेस्ट के अंदर तीनों लड़कों को ट्रूथफुल बताया गया और दोनों लड़कियों को डिसेप्टिव बताया गया। फर्दर स्टेप क्या होगा उसमें मोस्ट प्रोबेबली हम उसमें अपील फाइल करेंगे हाईकोर्ट में। केस में 40 गवाहों से पूछताछ की गई जिन्होंने लड़कियों के खिलाफ गवाही दी। लाई डिटेक्टर टेस्ट में भी लड़के बेकसूर साबित हुए। हरियाणा सरकार ने लड़कियों को इनाम देने की घोषणा की थी, जिसे रोक दिया गया था। घटना के बाद कुछ और वीडियो भी सामने आए थे। कुछ और लोगों ने दोनों बहनों पर जानबूझकर मारपीट और उगाही का आरोप लगाया था। पुलिस के मुताबिक बस में लड़कों और लड़कियों के बीच विवाद छेड़छाड़ के कारण नहीं बल्कि सीट को लेकर हुआ।